हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। अरुण और जाने तक हमें निगोशिएट करना होगा। अरुण अरुण वे अरुण अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। कितनी बार अरुण ऑर्डर्स चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सेनोरिटा। क्या है ना, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेट्टी होते हैं और सिर फिर भी योद्धा नहीं देश के दुश्मन ही। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। कैबिन क्रू स्टेशन्स प्रिपेयरिंग फॉर डिपार्चर। पायलट ने 7500 स्कॉप किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो कौन है? संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण वहां पर क्या चल रहा है? मैंने जो तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? This is AB-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं।